नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विशेष में। और विशेष में आज बेहद विशेष विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, और ये विषय है बोलने की आजादी की, असहमति की आजादी की, मतभेद की आजादी की, मनभेद की आजादी की। क्या हो अगर आपसे बोलने की आजादी छीन ली जाए? क्या हो अगर सारे फूल एक रंग के हो जाएं? क्या हो अगर समाज में हर व्यक्ति एक जैसा ही दिखने लगे? जाहिर सी बात है कि समाज की बात की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। जी हाँ, प्रजातंत्र की भी खूबसूरती इसी में होती है कि सभी लोग भिन्न भिन्न बातें रखते हैं, भिन्न भिन्न विचार रहते हैं, और सब मिलकर प्रजातंत्र को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आजकल हमारे देश में असहमति की बात बहस में है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को लेकर गंभीर सवाल उठाए। दरअसल हाल फिलहाल में ये देखा गया कि जब भी असहमत कोई हुआ या किसी और तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस शुरू कर दिया गया, और यहीं से ये मामला शुरू हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट की चिंता पूरे देश के सामने आई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी उस कानून को बनाए रखने की आखिर क्या वजह है जिस कानून का दुरुपयोग महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे तमाम बड़े क्रांतिकारियों के लिए, बड़े आजादी के दीवानों के खिलाफ किया गया। दरअसल देश में असहमति और विरोध को लेकर जो हालात बन रहे हैं वो लोकतंत्र के सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ये केवल आम राय नहीं है बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहने लगे हैं। और इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध की आवाज को सम्मान देने के लिए देश की न्यायपालिका बार बार सरकार को नसीहत दे रही है। दमन की ये प्रवृत्ति केंद्र को से लेकर राज्यों तक में आजकल देखी जा रही है। केवल केंद्र सरकार ही नहीं, तमाम ऐसी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी की राज्य सरकार हो, वहां पर यदि आप विरोध में खड़े होंगे तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, और ये कोई नई परंपरा नहीं है, पहले से ही चल रही है। लेकिन अब ये जरूरी है कि हम अपने प्रजातंत्र की खूबसूरती को बचाने के लिए, प्रजातंत्र की ताकत को बचाने के लिए इस पर जरूर विचार करें, और इसीलिए देश की संसद से सड़क तक असहमति के दमन के जो आरोप लग रहे हैं उस पर विचार करना जरूरी है। आज विशेष में बात इसी की होगी। तो विशेष की शुरुआत सबसे पहले न्यायपालिका की बात से करते हैं, जहां से असहमति और विरोध को कुचलने के खिलाफ असहमति और विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जहां पर सीजीआई जस्टिस रमन्ना के राजद्रोह कानून को खत्म करने के बयान को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत समझी जा रही है। सरकार से सीजीआई ने यह भी पूछा है कि इस कानून को हटाने के लिए अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों नहीं इस पर सोचा गया। गौरतलब है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, उन्होंने कई तरह के ऐसे कानून जिनका कोई उपयोग नहीं था उन सभी कानूनों को हटाया है, और लेकिन देशद्रोह का जो कानून है उसे बरकरार रखा गया। और इतना ही नहीं, यदि आप आंकड़े देखेंगे तो इस कानून का खुलेआम उपयोग या दुरुपयोग भी किया गया, और शायद इसी वजह से सर्वोच्च अदालत इस वक्त चिंतित है कि इस देश में जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को सबसे खूबसूरत आजादी माना जाता है, देशद्रोह के कानून को कैसे हम जगह दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जस्टिस एन वी रमना के भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद मानवाधिकार और लोकतंत्र समर्थकों में नई उम्मीद जागी है। जस्टिस रमना ने राजद्रोह कानून पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कानून की तुलना एक आरी से की। उन्होंने कहा कि जिससे फर्नीचर बनाना था उससे पूरा जंगल ही काट डाला गया। जाहिर है कि वो लोकतंत्र में विचारों की विविधता और मत वैभिन्न की बात कर रहे हैं, जो किसी भी प्रजातंत्र की खूबसूरती मानी जाती है।
हालांकि मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस कानून को जरूरी बताया और अदालत से इसके इस्तेमाल की गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस समेत कोई भी सरकार इस कानून को खत्म करने की कभी हामी नहीं रही। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ विचारों पर रोक लगाने के लिए बने इस कानून को भारत में लॉर्ड थॉमस मैकाले ने 1837 में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया और 1857 के गदर के बाद 1870 में धारा 124A को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के तहत IPC में शामिल कर लिया गया। आजादी के बाद पहली बार 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में असहमति और विरोध पर राजद्रोह कानून के प्रयोग को अदालत में चुनौती दी गई थी। इस पर अदालत ने फैसला देते हुए साफ कहा था कि सरकार की किसी भी रूप में आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकारें इस कानून का दुरुपयोग हमेशा करती हैं। जस्टिस रमना के बयान के खिलाफ सरकार की हिमायत में मोदी सरकार में राज्यसभा सदस्य बने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी उतर आए। उन्होंने इस कानून को बनाए रखना जरूरी बताया है और अदालत को इसके प्रयोग की वैधानिकता की जांच पर फोकस रखने को कहा। इस बयान को भी असहमति और विरोध को दबाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका के दुरुपयोग के रूप में ही देखा जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति विरोध के दमन के लिए आतंकवाद विरोधी कानून के प्रयोग को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने साफ कहा था कि असहमति को देश विरोधी कहना लोकतंत्र पर चोट है। इससे पहले भी उन्होंने टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी को जमानत देते हुए अदालतों से नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए पहली कतार में खड़े होने की सलाह दी थी। यह अलग बात है कि अर्णब गोस्वामी को 8 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मौके के साथ जमानत ही मिल गई, लेकिन 2 साल से जमानत मांग रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता 84 साल के स्टेन स्वामी की जेल में एक संस्थागत तरीके से हत्या के आरोप भी लगे। आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले स्टेन स्वामी की मौत तब हो गई जब अदालत उनकी जमानत पर सुनवाई कर रही थी। राज्य व्यवस्था के दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले स्टेन स्वामी 2 साल से जेल में बंद थे। उन्हें मौत ने ही आजादी दिलाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनकी लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद उनकी जमानत का विरोध किया। कंपन रोग की वजह से पीने के पानी के लिए सिपर की मांग को भी अदालत ने ठुकरा दिया। स्टेन स्वामी के पढ़ने लिखने से डरी सरकार और न्याय व्यवस्था ने उन्हें चश्मा दिए जाने की भी इजाजत नहीं दी। दुनिया भर में बेहद बदनामी हुई थी भारतीय न्याय व्यवस्था लोकतंत्र। फिर भी आतंकवादी विरोधी कानून के रूप में UAPA के बेजा इस्तेमाल से अदालतें बेहद थीं। असम के आंदोलनकारी और जेल से चुनाव लड़कर विधायकों ने अखिल गोगोई को भी UAPA के आरोप से अदालत ने मुक्त कर दिया था। सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे छात्रों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को देर सवेर अदालत ने जमानत पर रिहा कर रही है या उन पर UAPA यानी आपराधिक गतिविधि निरोधक अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों की बारीकी से पड़ताल कर रही है। दरअसल 1963 में राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयता के मुद्दे पर बनी कमेटी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने, अहिंसक प्रदर्शन और यूनियन बनाने के अधिकारों की सिफारिश की। 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन को कुचलने के लिए UAPA कानून बनाया गया था। वहीं 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उस समय आतंकवाद पर अंकुश के लिए 1985 में टाडा कानून लाया गया। टाडा के तहत जमानत के प्रावधान बेहद कड़े कर दिए गए। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इन कड़े प्रावधानों का अनुसरण की थी। उसके बाद अमेरिका में हुए 26/11 के हमले और देश की संसद पर आतंकी हमले के बाद कोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया गया। UAPA में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक के लिए प्रावधान नहीं थे तो टाटा और कोटा में ये प्रावधान बेहद सख्त थे। ऐसे में इन दोनों कानूनों को खत्म कर आतंकवादी गतिविधियों के अपराध को सख्त प्रावधानों के साथ UAPA में शामिल कर दिया गया। वहीं 2004 में बनी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिंसक प्रदर्शन और संघर्ष 7 राज्यों में फैल गए। तब 2009 में UAPA के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी दौर में देश में समझौता एक्सप्रेस धमाका, अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट, मक्का मस्जिद धमाका, मुंबई लोकल में हुए धमाके और ताज होटल पर आतंकी हमले। इसके बाद इसमें संशोधन करके आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इसे मुख्य कानून में तब्दील कर दिया गया। अदालतें लोकतंत्र के पहलुए की काम करती रही, लेकिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही अदालतों के कई फैसलों से नागरिक अधिकार और लोकतंत्र समर्थक निराश नजर आए। फिर भी अदालतें अपना काम करती रही। दिसंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असहमति को लोकतंत्र की पहचान बताया।
एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर असहमति व्यक्त करना हमारे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की पहचान है और इसी के लिए संवैधानिक रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण दिया गया है। इसके पहले पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत देते हुए जज धर्मेंद्र राणा की टिप्पणी को तो पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक सबक बताया था। न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा की आवाज की रक्षक होते हैं। महज सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखने की बिना पर उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। सरकार के अहम की तुष्टि के लिए राजद्रोह कानून नहीं लगाया जा सकता। एक जागृत और मजबूती से अपनी बात को रखने वाला नागरिक समाज एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन सरकार तो अदालतों से भी किसी भी तरीके का सबक सीखने के खिलाफ है। दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना करिता और आसिफ इकबाल तनहा को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। समस्या न्यायपालिका की नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की भी है। देश में कमजोर और लचर न्यायिक ढांचे, जजों की कमी, अदालती प्रक्रिया की विसंगतियों का फायदा उठाकर विरोध और असहमति को कुचलने में सरकार नहीं छोड़ती। दरअसल चिंता इस बात की है कि एक एजेंडे के तहत लोकतंत्र विरोधी और बहुसंख्यकवाद के समर्थन में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसमें निचली न्यायिक व्यवस्था पर खास किस्म का दबाव बन रहा है। जिला स्तर पर उनकी सुरक्षा समेत कई मामलों में राज्य सरकार पर निर्भरता के बीच भी अदालतें न्याय की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनके सरकार के समर्थन में दिए कई फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय से देखा गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अपने पक्ष में फैसलों की कीमत सरकारें अहम पदों पर नियुक्ति के जरिए चुकाती रही, जिससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही न्यायपालिका में दलित, आदिवासी और महिलाओं समेत सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की भी मांग उठ रही है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में वंचित तबके से आए न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे तो इन तबकों के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय को जिए बगैर अदालतें उनके दर्द के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगी। अंशुमान त्रिपाठी, एक मिनट। और कहा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को यदि आपको मजबूत रखना है, स्वस्थ रखना है, वहां के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो ज्यादा कुछ मत करो, वहां की न्यायपालिका को पारदर्शी करो और मजबूत बना दो। और शायद भारत में जो न्यायपालिका है वो पहले से ही बहुत मजबूत है और इसीलिए जब न्यायपालिका की तरफ से कोई बात आती है तो उस बात की गंभीरता को भी खूब समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब देश में असहमति और विरोध के पक्ष में खड़े होकर देश में एक जो नई उम्मीद जगाई है, जाहिर सी बात है कि उसका असर 130 करोड़ जनता पर पड़ा है। राजद्रोह कानून के बहाने अदालत ने सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व भी समझाया है और साथ ही ये भी समझाया है कि इस लोकतंत्र में जहां पर सबको बोलने की आजादी होती है, जहां पर सबको अपने विचारों को रखने की आजादी होती है, वहां पर महज इसलिए देशद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता या देशद्रोह का आरोप किसी पर लगाया नहीं जा सकता कि वो किसी खास सरकारी नीति के खिलाफ है, जिसके तमाम उदाहरण अभी हाल फिलहाल में हमें दिखे हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, एक आंकड़े की यदि मैं बात करूं तो उस आंकड़े के हिसाब से देश में राजसत्ता असहमति और विरोध को दबाने के लिए हमेशा के से कई तरह के हथकंडे आजमाए जाते रहे हैं, चाहे सरकारें किसी की भी हों, सत्ता में कोई भी हो, पार्टी में कोई भी हो, हर एक सत्ताधारी की कोशिश ये रही कि अपने खिलाफ के आवाजों को दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए जाते रहे हैं। यहाँ तक कि इस देश में आवाजों को दबाने की इतनी कोशिश हुई कि प्रजातांत्रिक देश में भी आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाया गया, और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नेता आजाद आवाजों से डरते हैं। लेकिन विरोधियों के दमन के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना, एक तरह से तंग करना, जो भी अगर कोई बोलने को उठा
तो उसके उसको तंग करना ये कोई नई बात नहीं रही है। लेकिन अगर आंकड़ों को आप देखें तो ये आंकड़े कहीं और ज्यादा चौंकाने लगे हैं, क्योंकि ये जो एक एक तरह से गलत परंपरा चलती आई थी कि एक पार्टी अगर सत्ता में आई तो अपने पूर्ववर्ती पार्टी को जरूर तंग करेगी, अब वो केवल पार्टी और नेताओं तक बात नहीं सिमटी रह गई है, कार्यकर्ताओं तक बात सिमटी नहीं रह गई है, आप अब वो आम आदमी को छूने लगी है, हर एक उस व्यक्ति को छूने लगी है जो आजाद आवाज का हामी है। और इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम ये सोचें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक कितना नुकसानदायक हो सकता है। आप ये रिपोर्ट देखिए और इसी से आप समझ पाएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे कैसे लोगों ने रोकने की कोशिश की और जितनी आवाजें दबाई गई उतनी ही आवाजें कैसे उठती गई, मजबूत होती गई, बुलंद होती गई। राजसत्ता का अपना चरित्र अहंकार और दमन का होता है और लोकतंत्र उसके लिए नकाब से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए ब्रिटिश राज के कई आपराधिक कानूनों को आज तक जिंदा रखा गया है, जिनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए किया जाता है। मौजूदा हालात में राजद्रोह कानून और यूएपीए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा के मुताबिक सरकार के खिलाफ बोलने या समर्थन करने पर 3 साल की सजा से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। 2014 से 2019 तक राजद्रोह कानून के तहत देश भर में 326 मुकदमे दर्ज किए गए और 559 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब तक सिर्फ 10 लोग दोषी पाए गए। राजद्रोह कानून को देश द्रोह कानून के नाम से भी जाना जाता है। 2019 तक 5 साल में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर 18 से 45 साल की उम्र के हैं। और तो और राजद्रोह के ज्यादातर मुकदमे बीजेपी शासित राज्यों में ही दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा 22 केस कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर असम की सर्वानंद सोनोवाल सरकार है जिसने 17 केस दर्ज किए और तीसरे पर जम्मू कश्मीर में 11 मामले, जहां 2019 में राष्ट्रपति शासन के बाद से अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का ही शासन। जबकि हाल ही में मोदी जी ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों के समूह G7 में अपने आदर्शवादी भाषण से सबको अभिभूत कर दिया था। ठीक उसी वक्त लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों पर आवाज उठाने के लिए फिल्मकार आयशा सुल्तान पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। प्रफुल्ल पटेल गुजरात में मोदी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं, जाहिर है कि उनके कामकाज में गुजरात मॉडल की छाप साफ नजर आती है। सिर्फ राजद्रोह ही नहीं, यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मोदी जी के पहले कार्यकाल में 2019 तक 7,840 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन इनमें 155 पर ही आतंकवाद के आरोप साबित किए जा सके, यानी 2% से भी कम लोग दोषी पाए गए। हैरानी की बात यह है कि 2019 में तो इस कानून के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में, यूपी में 498 लोग गिरफ्तार किए गए, इसके बाद मणिपुर में 386, तमिलनाडु में 308, जम्मू कश्मीर में 227 और झारखंड में 202 लोगों को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया। दरअसल यूएपीए के तहत जमानत मिलना काफी मुश्किल माना जाता है। यूएपीए की धारा 43D के 5 क्लॉज में ये कहा गया है कि धारा 173 के तहत बनाई रिपोर्ट के आधार पर अदालत जमानत न देने का फैसला कर सकती है। इसमें अपने को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की ही होती है, जो न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ। न्याय के सिद्धांत के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि अभियोजन पक्ष के सबूतों के आधार पर अदालत उसे दोषी नहीं मान लेती। इसके अलावा असहमति और विरोध को दबाने के लिए IT कानून की धारा 66 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इसी 6 जुलाई को POCL नाम के गैर सरकारी संगठन द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि चौंकाने वाला, परेशान करने वाला, भयानक और आश्चर्य की बात है कि 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को निरस्त कर दिया था और फिर भी उस धारा के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी POCL ने अपनी याचिका में कहा कि मार्च 2021 तक देश के 11 अलग अलग राज्यों में 745 मामले धारा 66A के तहत पेंडिंग चल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 381 मामले महाराष्ट्र में है। 66A के खात्मे की कट ऑफ तारीख तय हो जाने के बाद भी योगी सरकार ने 245 मामलों में IT अधिनियम की धारा 66A के तहत
मुकदमा चलाया है। असहमति विरोध को दबाने में मोदी सरकार की शोहरत दुनिया भर में फैल चुकी है। इसे सिर्फ मजबूत होते भारत से प्रेरित ईर्ष्या या मोदी जी से दुनिया की निजी दुश्मनी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मोदी ने बतौर पीएम जितने विदेशी दौरे किए हैं उससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में प्रवासी भारतीयों से मोदी मोदी के नारे लगवाए गए। आज हालात ये है कि दुनिया में लोकतंत्र को कुचलने और विरोध को दबाने वाले 37 तानाशाहों में मोदी जी का नाम दर्ज हो चुका है। लेखक, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल कहते हैं कि पिछले 5-6 साल से लगातार कई इंडेक्स में भारत की रेटिंग गिर रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो या इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2 या 3 इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत 40 ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर 2014 से भारत की रेटिंग नीचे आई। ये गवर्नेंस का मसला है। 2014 के पहले भारत में जो गवर्नेंस थी वैसी अब नहीं है। वहीं बीजेपी के सांसद और पूर्व पत्रकार राकेश सिन्हा मानते हैं कि ये पश्चिमी देशों में मौजूद एक तबके की भारत की छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है। वे कहते हैं कि पश्चिमी देशों की ताकतों को भारत का एक महाशक्ति के रूप में खड़ा होना हजम नहीं हो रहा। दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नजर रखने वाले एक अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस की ताजा रिपोर्ट ने तो भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में खड़ा कर 150 देशों की सूची में 67वां स्थान दिया, जबकि पिछली बार 70वें स्थान पर था और वो स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में शामिल था। दरअसल आजादी के बाद से ही लोकतंत्र के खिलाफ ये प्रचार होता रहा कि इस देश को तानाशाही वाले शासन की जरूरत है जो बाबुओं को और आम लोगों को कानून का पालन करना सिखाए। बहुमत के साथ आए मोदी जी की छवि भी एक मजबूत जननायक की बनी थी, लेकिन उनकी सरकार निष्पक्ष नहीं रह सकी। सांप्रदायिकता का विरोध करने वालों पर आपराधिक कानून का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर मुकदमे दर्ज होने बंद हो गए। दिल्ली दंगों की जांच तो सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। होते होते अब ये धारणा बन चुकी है कि बीजेपी और एनडीए से जुड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे तक दर्ज नहीं होते। यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के भगवा मंत्री और विधायकों का यूपी में कानून बाल बांका नहीं कर सका। बलात्कार पीड़िताओं और उनके परिवारजनों को अपराधियों ने कानूनी और आपराधिक तरीकों से दौड़ा दौड़ा कर शिकार किया। यही नहीं, एक एनजीओ एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी जी के तकरीबन आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पिछले 7 सालों में बीजेपी शासित राज्य सरकारें इस तरीके के मुकदमे वापस लेने या फिर केस कमजोर करने का काम कर रही हैं। हैरानी की बात यह कि गुजरात में मोदी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटरों और दंगा भड़काने के मामले के ज्यादातर आरोपी प्रशासनिक अफसर और मंत्री छूट गए और आराम से बाहर घूम रहे हैं, जबकि इन मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। यही नहीं, गौमांस, भीड़ द्वारा हत्या के मामलों से लेकर जाति और धर्म को लेकर हिंसक प्रदर्शनों पर भी लचीला रुख अपनाकर इस धारणा को प्रचारित करने में भी खूब हवा दी गई कि देश में पहली बार हिंदू सरकार बनी है। मोदी के पीएम बनते वक्त विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल ने इस तरह का बयान भी दिया था। साथ ही राजद्रोह कानून और यूएपीए के तहत तकरीबन रोज हो रही गिरफ्तारियों में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की बताई जा रही है। सरकार इसके जरिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर पूरी राजनीति को बहुसंख्यकवाद की राजनीति बना दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि अब सिर्फ बीजेपी को ही इसका दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हिंदू वोट हाथ से निकलने के डर से अल्पसंख्यक हितों की खुलेआम बात करने में हर धर्म निरपेक्ष दल हिचक रहा है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, दरअसल पूरी कानून व्यवस्था, प्रशासन के ढांचे और संविधान तक को गलत व्याख्याओं के जरिए तानाशाही व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विरोधियों के दमन के लिए उनके पुराने आर्थिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तू नहीं तो तेरे बाप ने गलती की होगी कि भावना से ये चुनाव से पहले और बाद में मुकदमे लाते जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां सत्तारूढ़ दल के शिकारी कुत्तों की तरह एक साथ किसी भी विरोधी पर हमला बोल देते हैं और जब तक वो संभले तब तक उसे लहूलुहान कर देते हैं। इसके बाद खरीदा हुआ मीडिया सूत्रों के मुताबिक विरोधियों के चरित्र की हत्या में जुट जाता है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर महामारी में बिस्तर में दुबके पड़े जननायक को जगाने के बजाय मीडिया गुर्राता है और पूछता है कहाँ है राहुल गांधी। मीडिया भूखे भेड़िए की तरह विपक्ष पर टूट पड़ता है और कमजोर लोकतंत्र के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताता है।
साथी दर्शकों को समझाता है कि मोदी नहीं तो और। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। किसी भी लोकतंत्र में कार्यपालिका यानी कि सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि जो भी विपक्ष की आवाज है, विपक्ष मतलब विरोध की आवाज है, असहमति की आवाज है, उसको सम्मान किया जाए, उसको सुना जाए, और जो विरोध की आवाज है कुछ उसको कुछ इस तर्ज पर लिया जाए कि वो सरकार की आलोचना है, सरकार जहां गलत कर रही है उसको सुधारने की एक कोशिश है। लेकिन आपराधिक कानूनों के बेजा इस्तेमाल और न्याय व्यवस्था की विसंगतियों का जो फायदा उठाया जाता है और इस फायदे के साथ जो विरोध को कुचलने की कोशिश की जाती है, वो किसी भी सरकार की नीयत पर सवाल उठा देती है, खासकर जब लोकतंत्र बहुमत पाकर बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ने लगे और बहुसंख्यकवाद को लोकतंत्र के ऊपर स्थापित करने की कोशिश करने लगे, तो एक ऐसा खतरा पैदा होता है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता होना शुरू हो जाता है और उनकी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुसंख्यकवाद किसी भी लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो आप हंगरी, पोलैंड, फ्रांस समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने जब भी सर उठाने की कोशिश की उस देश को नुकसान हुआ है और अभी तक ये देश वैसी ताकतों से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत की यदि मैं बात करूं तो संसद के शुरू हो रहे मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने किसानों से अपनी मांगों का मुद्दा उठाने की मांग की है। अब जाहिर सी बात है कि जैसी कि लड़ाई हमने पिछले पूरे एक साल से देखी है कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द न करने पर अड़ी है। ऐसे में जब कार्यपालिका जनता की समस्याओं, दुख दर्द को सुनने और समाधान देने के बजाय उससे भिड़ने लगेगी, उससे अपना दुश्मन समझने लगेगी, तो कई तरह के खतरे पैदा हो जाते हैं और ये खतरे कुछ ऐसे होते हैं जहां पर सीधे सीधे जो देश की जनता होती है वो प्रभावित होती है और न केवल देश की जनता बल्कि सरकार की काबिलियत पर भी शक की सुइयां घूमने लगती हैं। और आज की तारीख में शायद यही हो रहा है कि संसद पर भी इसीलिए असहमति और विरोध की आवाज को दबाने का आरोप लग रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार सुन ही नहीं रही है। क्या वाकई सरकार नहीं सुन रही है या वाकई क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर विरोध का मतलब हो गया है कि आप देशद्रोही हैं? कैसी विडंबना है ये, कैसी स्थिति है ये, और मानसून सत्र के मद्देनजर क्या कुछ हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर रक्षा संबंधी मामलों के संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट को लोकतंत्र विरोधी रवैया बताकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि खबरों के मुताबिक समिति की बैठकों में सीमा पर मौजूदा स्थिति समेत रक्षा से जुड़े व्यापक मसलों पर चर्चा की मांग उन्होंने उठाई थी। कई सदस्यों ने उनकी बात का समर्थन भी किया। विपक्ष में होने के कारण लोकतंत्र वॉकआउट और विरोध दर्ज करने का अधिकार देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन के दाम पर चर्चा का मसला एक दूसरी संसदीय समिति में कांग्रेस के उठाने पर बीजेपी के सांसदों ने ही वॉकआउट कर दिया था। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की खबर कुछ ही जगह दिख रही है। यही नहीं, कोरोना काल में विपक्ष ने संसदीय समितियों की वर्चुअल बैठक बुलाने की लगातार मांग उठाई, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने ये मांग ठुकरा दी थी। ये हाल मिनी संसद कहलाने वाली संसदीय समिति का है। दरअसल संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विरोध विपक्ष का अधिकार। संसद में लंबे समय तक कामकाज बाधित रहने पर ये बात खुद बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कही थी, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है विपक्ष पर संसदीय कार्य में बाधा डालने को लेकर आरोप प्रचारित किए जा रहे हैं। यहाँ संसदीय लोकतंत्र के दिए अधिकार को राष्ट्रवाद के नाम पर छीनने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इन हालात के लिए सरकार के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माना जाता है। गुजरात के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 10 साल के कार्यकाल पर बनी एक रिपोर्ट बताती है कि गुजरात के राज्य बनने के बाद से तब तक के सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में मोदी के समय में विधानसभा में सबसे कम बैठके हुए। मोदी संसदीय प्रक्रिया के प्रति इसी अवज्ञा के साथ दिल्ली पहुंचे, ये बात मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं।
वहीं लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य लिखते हैं कि संसदीय प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि विपक्ष अपनी बात कह सके और सरकार अपना काम कर सके। यदि विपक्ष अपनी बात न कह सके तो एक लोकतांत्रिक संस्थान के रूप में संसद लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। लेकिन समस्या यह है कि पीएम मोदी देशी विदेशी मंचों पर लोकतंत्र के पैरोकार तो नजर आते हैं, लेकिन व्यवहार इसके उलट जाना पड़ता है। अगर संविधान और संघीय ढांचे के सबसे अहम रिश्ते केंद्र राज्य संबंध की बात की जाए तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सहकारी संघवाद के पुरजोर हिमायत करते रहे हैं। पीएम बनने के बाद भी मोदी जी ने यही नारा बनाए रखा, लेकिन व्यवहार इसके उलट रहा। मोदी सरकार ने राज्य के अधिकारों जिम्मेदारियों में कटौती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी ताजा तरीन मिसाल है कृषि बिल 2020। वरिष्ठ पत्रकार हरीश दामोदर ने रेखांकित करते हुए कहा है कि चूंकि संविधान में स्पष्ट रूप से कृषि और बाजार दोनों को राज्य सूची में ही रखा गया है, केंद्र राज्यों को इनसे संबंधित मामलों में प्रोत्साहन तो दे सकता है, लुभा सकता है, लेकिन खुद से कानून नहीं बना सकता। इसके बावजूद समवर्ती सूची में शामिल खाद्य सामग्री के व्यापार और विपणन से संबंधित एक विषय की गलत तरीके से व्याख्या के जरिए राज्यों से मशविरा किए बगैर इन बिलों को पारित करवा दिया गया। अब सवाल संसदीय कार्यवाही का है। संसदीय इतिहास में ऐसे मौके कब ही आए हैं जब डिवीजन की मांग को तकनीकी आधार पर ठुकरा कर बिल पारित किए गए। पहले स्पीकर की तरफ से सफाई आई कि तय नियमों के तहत सदस्यों ने अपनी सीट से डिवीजन की मांग की, लिहाजा कृषि बिल पे उनकी मांग खारिज कर दी गई और ध्वनि मत से विधेयक पारित कर दिया गया। मामला यहीं तक नहीं था क्योंकि ये अध्यक्ष के विवेकाधिकार का विषय है। हैरानी की बात तो ये है कि विरोध कर रहे 8 सांसदों को निलंबित कर संसदीय लोकतंत्र की खिली इसके बाद भी उड़ाई। इनमें से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर तो रूल बुक फाड़ने का आरोप भी लगाकर मीडिया ट्रायल किया। ये सांसद अपना विरोध जताने जब संसद परिसर में धरने पर बैठे तो मशहूर पत्रकार रहे स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हें चाय नाश्ता कराने टीवी चैनलों के कैमरों के साथ पहुंच गए और भावुक होकर बताया कि ऐसे वाकये की वजह से उन्हें रात भर नींद नहीं। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स तब हो गया जब इंडियन एक्सप्रेस ने वीडियो फुटेज की बारीकी से पड़ताल कर बताया कि डिवीजन की मांग के वक्त सांसद अपनी सीटों पर ही थे। इस मीडिया रिपोर्ट के बाद सफाई में स्पीकर हरिवंश नारायण ने इसे जनता के विवेक पर छोड़ने की बात कही, लेकिन सैकड़ों किसानों की मौत के जिम्मेदार बिल तो पारित हो गया ना। जनता को एक बार चुनने के बाद फैसले का अधिकार रह कहां जाता है जनता के पास। पीएम मोदी ने हरिवंश के निष्पक्ष रहने के लिए बधाई दी। माना जा रहा है कि हरिवंश नारायण दोबारा स्पीकर बनने की कीमत चुकाई है, लेकिन राजनीति में ग्लानि नाम का शब्द नहीं बनता, न ही संवेदना। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने लिखा है कि यदि बिल को संसद से इस तरह जबरिया पारित नहीं करवाया जाता तो किसान आंदोलन से भारी आर्थिक नुकसान और दिल्ली के आसपास सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाया जा सकता था, और इस आंदोलन ने हमें संसदीय प्रक्रिया के अनुपालन के बारे में सिखाया कि इन पर सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना के साथ अमल करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार संसद में किसी भी सरकार के मुकाबले ज्यादा कामकाज का दावा करती है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 7 साल में जिस तरीके से और जिस तादाद में विधेयक गैर बहस के पारित किए गए वो अपने आप में एक मिसाल है। पिछले साल के मानसून सत्र की मिसाल ही ली जाए तो लोकसभा में 10 दिन चले सत्र में 25 विधेयक आनंद फानंद पारित कर दिए गए और 16 नए बिल पेश किए गए। वहीं राज्यसभा में भी सभी 25 बिल पारित किए गए और 6 नए बिल पेश हुए। दिलचस्प बात यह है कि कृषि बिल पर सांसदों के निलंबन और विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच ही 2 दिन के भीतर धनाधन 7 बिल पारित किए गए थे। इनमें लेबर कोड, FCRA अमेंडमेंट जैसे विवादित बिल भी शामिल थे। इसे जनता की एक एक पाई की कीमत से जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है, जबकि कृषि बिल और लेबर कोड को किसान मजदूर विरोधी माना जा रहा है। राज्य विधानसभाओं में तो संसदीय प्रक्रिया की अवहेलना की तस्वीरों को शर्म से सिर झुका देती है। आए दिन माइक तोड़ने, कागज फेंकने, आपसी मारपीट और स्पीकर की अवमानना के मामले सामने। ये पहला मौका है जब केरल हाईकोर्ट में वहां की विधानसभा में स्पीकर से बदतमीजी करने वाले विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया।
यहाँ सदन के भीतर के मामले में न्यायपालिका के दखल का मामला भी था। वहीं बीजेपी के 12 विधायकों को महाराष्ट्र में स्पीकर के साथ अभद्रता करने और अपशब्द कहने के आरोप में 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस पर बीजेपी विफर पड़ी। असहमति विरोध के दमन में संसदीय लोकतंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। सदमे की बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए इंतजार किया गया और फिर महज 4 घंटे में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। सत्ता की हवस सरकारों किस हद तक क्रूर बना देती है और उसके लिए संसदीय लोकतंत्र एक खिलौना बनकर रह जाता है। इसीलिए सांसद भी चाबी वाले खिलौनों की तरह मोदी के संसद में आने पर नारे लगाते हैं कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो विधायिका यानी देश के संसद लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है। वैसे धूमिल ने लिखा था कि देश की संसद एक ऐसी कच्ची घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। वाकई कुछ वही हालत है जहां पर सच क्या है झूठ क्या है ये कहा नहीं जा सकता। आंकड़ों में दिखाया जाता है कि आजादी पूरी है, सारे आंकड़े सुनहरे हैं, लेकिन ये सारे आंकड़े तब किताबी साबित होते हैं जब असली आंकड़े सामने आते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही यदि हम 2014 के बाद की बात करें तो लगभग 500 से ज्यादा मामले देशद्रोह के डाले गए, लेकिन उसमें से महज 10 ऐसे मामले हुए जो साबित हो सके। लेकिन यदि हमने लोकतंत्र की बात की है और संसद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था माना है, तो हमेशा ये देखा है कि बहुमत की सरकारें देश की सबसे बड़ी पंचायत में मनमानी करती हुई नजर आती हैं। यही नहीं, संसदीय प्रक्रियाओं की भी अवहेलना कर दी जाती है। बड़ी समस्या यहाँ पे ये भी है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो बड़ी पार्टियों के मुकाबले कम समय दिए जाने से अपनी असहमति और विरोध की आवाज उठा नहीं पाती और उनकी आवाजें दब जाती हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बड़े राजनीतिक दल भी विपक्ष के विरोध को अहमियत दिए बगैर किसी भी उन्हें राष्ट्र विरोधी बताकर किसी भी मामले पर उन्हें महज सरकार का विरोधी बताकर और गैर मौजूदगी से में संसदीय कार्यवाही चलाकर ये साबित कर चुके हैं कि विपक्ष उनके लिए महत्व ही नहीं रखता। याद आता है जब जवाहरलाल नेहरू जब आजादी के बाद पहली संसद बैठी थी तब नेहरू ने कहा था कि विपक्ष का होना जरूरी है और विपक्ष को तब बनाया गया था। दरअसल तब कोई विशेष विपक्ष नहीं था लेकिन विपक्ष को बनाया गया ताकि लोकतंत्र की गरिमा को, लोकतंत्र की मजबूती को, लोकतंत्र की पारदर्शिता को रखा जा सके। लेकिन आज माहौल बदल गया है। आज विपक्ष को एक तरह से ऐसा माना गया है जिस पर कोई विश्वास न करे। विपक्ष के को भी विश्वास में लेकर वाद विवाद संवाद के जरिए जो राजनीतिक हित से ऊपर उठकर जनता के मुद्दों को रखने की बात होती थी वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है, वो परंपरा खत्म हो चुकी है। ऐसे समाधान तलाशने की जो कोशिशें होती थी वो खत्म हो चुका है और शायद इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय को आज भी विपक्ष की रचनात्मक भूमिका के लिए याद किया जाता है। बहुत अगर बहुत पुराने न भी जाएं तो भी हाल फिलहाल की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पर एक सवाल और भी है कि अगर असहमति की आवाजें हैं और विरोध की आवाजें हैं तो इन आवाजों को बुलंद करने के लिए क्या न्यायपालिका ही ऐसा कुछ करती रहे या किसी और की भी जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है कि ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की आवाज को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि कहा जाए तो प्रेस पर होती है। इसलिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन अक्सर आजकल ये देखा जा रहा है कि प्रेस की आलोचना भी सरकारों को पसंद नहीं आती और उस पर भी तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं। हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर वरिष्ठ पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, यूपीए के मामले दर्ज किए गए। नतीजतन स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना इन दिनों एक बड़ी चुनौती है और इन्हीं दिनों की बात नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि शायद हर एक दौर में इस तरह की बातें उभरती रही हैं लेकिन कुछ दौर वाकई बड़े भारी होते हैं और शायद हम एक ऐसे ही संक्रमण काल से इस वक्त गुजर रहे हैं जब प्रेस की आज़ादी पर बहुत हद तक सरकारें लगाम लगा रही हैं और बहुत हद तक प्रेस भी बदल गया है और वो सरकारों के पीछे चलने लगा है।
और ये जो दुविधा की स्थिति है प्रेस की, वो लोकतंत्र को किस तरह से हानि पहुंचा रही है वो देखेंगे आप तो चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पत्रकारिता कभी सत्ता विरोधी मानी जाती है, लेकिन कई न्यूज चैनलों में पीएम मोदी को असाधारण रूप से महाबली और देवता के रूप में पेश करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। यही चैनल मुसलमान और विपक्ष को देशद्रोही और पाकिस्तान समर्थक बताते हैं। अगर इन चैनलों पर डिबेट देखी जाए तो ये मुर्गों की एक तरफा लड़ाई नजर आती है। वहीं सरकार का विरोध कर रहे पत्रकारों पर राजद्रोह और UAPA के तहत गिरफ्तारियां और मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। हाथरस में दलित लड़की से बलात्कार की घटना को कवर करने पहुंचे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन 5 अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। हालांकि कप्पन से UPA के धारा अदालत को हटानी पड़ी, लेकिन सिद्दीक कप्पन जेल से नहीं छूट पाए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर तो हिमाचल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था, जिसे अदालत ने खारिज किया। सरकार का दमन चक्र फिर भी नहीं रुका। मशहूर पत्रकार राणा अयूब, जफर आगा, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद जोस, परेश नाथ और अनंत नाथ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु पर रिपोर्टिंग और उस पर ट्वीट की वजह से राजद्रोह, आपराधिक साजिश और वैमनस फैलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ दिनों पहले UP में गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई के ट्वीट पर UP सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों और अभिनेत्री स्वरा भास्कर, पत्रकार राणा अयूब, सबा नकवी और जुबेर अहमद समेत 8 लोगों पर मुकदमा दायर किया था। सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों की आवाज बंद करने की कोशिशों के साथ मीडिया हाउस पर भी सरकार का हर ठाने में जुटी हुई है। पिछले दिनों एक न्यूज साइट पर छापे मारे गए तो कई पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हालात ये है कि सरकारें स्टैंड अप कॉमेडियन से भी डरने लगी है। मध्य प्रदेश में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जेल भेज दिया गया। वही मोदी विरोधी कॉमेडी की वजह से कुणाल कामरा के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन कार्टूनिस्टों से भी इन दिनों सरकार का डर बढ़ने लगा है। कार्टूनिस्ट मंजुल का अकाउंट निलंबित करने की सिफारिश सरकार ने खुद ट्विटर से की है। वहीं महाराष्ट्र में एक कार्टूनिस्ट की कार्टून की वजह से पिटाई कर दी गई, जबकि शिवसेना संस्थापक बाला ठाकरे खुद कार्टूनिस्ट थे और एक बार शिवसेना के खिलाफ कार्टून बनाने वाले प्रशांत कुलकर्णी से मुलाकात के दौरान ठाकरे ने उनकी तारीफ भी की थी। वहीं खुद नेहरू भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टूनिस्ट शंकर से कहते थे कि मुझे बख्शना मानिए। लेकिन अब सरकार किसी को बख्शने को तैयार नहीं। कोविड के समय रिपोर्टिंग को लेकर करीब 55 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रेस की आजादी में भारत की रेटिंग इतनी गिर चुकी है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर है। RSF सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की आजादी को मापने का एक पैमाना समझा जाता है। वहीं दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो उसके मुताबिक प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। संस्था ने अपनी रिपोर्ट को गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी के 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। सोशल मीडिया आज प्रेस और अभिव्यक्ति का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। सरकार ने नए IT रूल्स बनाकर इन पर भी शिकंजा कस दिया है, लेकिन हिंदुत्व के प्रचार में इनकी अहमियत समझते हुए ट्विटर के खिलाफ मुहिम के लिए IT मंत्री रविशंकर प्रसाद की बलि ले ली गई। इस तरह के नियम फिल्म सेंसर के लिए भी बनाए गए हैं, जहाँ पहले से ही सेंसर की गई फिल्मों पर नए सिरे से जाँच के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। साथ में TV न्यूज और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी निजता के अधिकार के तहत पाठक या दर्शक की शिकायत के नाम पर जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है। सोशल मीडिया के साथ इंटरनेट पर रोक को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ माना जाता है। BBC ने तो भारत को 2019 में सबसे ज्यादा वक्त तक दुनिया में इंटरनेट बंद रखने वाला देश बताया था। नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद BJP शासित कई राज्य सरकारों ने इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर में तो अब तक 4G की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता के हालात की बात करना तो दूर की बात है,
लेकिन देश के भीतर कोविड महामारी में मिली बदनामी से डरी हुई सरकार हिंदुत्व के नाम पर जुटाए वोटों के बिखरने के अंदेशे से परेशान है। इसीलिए लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज उठाने वालों को बीजेपी और सरकार विरोधी माना जा रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद जरूर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब आप भी ढूंढेंगे और हम भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरह से प्रेस आज के तारीख में बढ़ चुका है, जिसको कहा जाता है, खास नाम दिया जाता है, एक सरकारी मीडिया है और एक विरोधी मीडिया है, इन सब के बीच जो मीडिया अभी तक रही थी, जिस जो आदर्श मीडिया कही जाती थी, वो थी कि वो समाज का आईना थी, गलत को गलत, सही को सही कहती थी। दुर्भाग्यवश आज वैसी मीडिया देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपको हम इस बात का यकीन जरूर दिलाते हैं कि हमारे इस चैनल पर आप वही देखेंगे जो सच होगा, जो सटीक होगा, जो बिना किसी पक्ष के होगा। सच को सच हम कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। जो अच्छा है उसकी प्रशंसा करेंगे, जो बुरा है वो अच्छा कैसे हो उसके लिए बातें करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि ऐसी तटस्थ पत्रकारिता करने पे संकट बहुत है, मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि उन्हें हर दौर में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सरकार समर्थक प्रेस को करोड़ों अरबों के विज्ञापन मिलते हैं। जो तटस्थ पत्रकारिता करने वाले प्रेस है उसके सामने अस्तित्व का संकट बना हुआ है, वो हम सबके सामने है। पैंडेमिक के इस दौर में हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जो भी तटस्थ पत्रकारिता करता है, जिसे बहुत तरह के आर्थिक, सामाजिक समस्याओं को और सरकारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग तो सरकार विरोधी पत्रकारिता महज इसलिए करते हैं कि उन्हें किसी और विपक्ष का सपोर्ट मिलता है, सरकार बदलने पर उसका लाभ लेने की आशा भी रहती है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बहुत दुख के साथ कि पत्रकारिता अब राजनीति से अछूती नहीं रही है। बहरहाल किसी भी हाल में पत्रकारिता को संभालने वाले पत्रकार भी हैं, ऐसा भी नहीं कि सब तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है। कुछ सिल्वर लाइंस जिसको कहा जाए, कुछ सुनहरी रेखाएं अभी भी इस अंधेरे के बीच दिख रही हैं। उन्हीं जो सुनहरी रेखाएं हैं, उन्हीं से उम्मीद भी है कि वो इस अंधेरे में चिराग जलाएंगी और लोकतंत्र का जो दिया जो सबके सामने प्रकाशमान रहा है हमारे देश का, उस दिए को कभी बुझने नहीं देंगी। और ये बोझ, ये भार हमारे कंधों पर भी है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को जरूर समझेंगे। आपके सहयोग से हम अपनी इस जिम्मेदारी को जरूर निभाते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आप सभी जहां हों, जैसे भी हों, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पहचाने, जो गलत है उसको गलत कहना सीखें, जो सही है उस पर अड़े रहना सीखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अपनी भूमिका जरूर अदा करेंगे, आज विशेष में इतना ही। फिर मैं आपके सामने आऊंगी एक विशेष मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।